तो उस मैडम ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा अपने परिचितों को कि मेरे घर में सेंचुरी का इवेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ, ये परिवार में क्या हुआ, ये सेंचुरी क्या चीज है। तो बड़ी कुतूहल से लोग गए और उन्होंने सबको इकट्ठा किया, अपने पतिदेव को भी बिठाया और बोले कि हमारे घर में आज सेंचुरी होने वाली है और आप लोगों के सबको साक्षी के लिए बुलाया है। बोले मेरे पतिदेव ने अब तक 99 बार सिगरेट छोड़ी है और आज 100वीं बार छोड़ने वाले हैं। मतलब उन्होंने क्या हो किया होगा आपको अंदाज आ गया होगा। 100 बार सिगरेट छोड़ी मतलब एक बार भी नहीं छोड़ी। वैसे ही यहां बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। दिल में खटास है लेकिन ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल राजस्थान में कुल मिलाकर के 5 साल में 100 सीएम थे, 100 सीएम अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दबंग, हर दंगाई खुद को कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कम मानता ही नहीं था। और इसलिए ही यहां बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। यहां नागौर में भी दलित युवाओं की कुचल कुचल कर हत्या हुई, बेटियों से गैंगरेप हुआ। हालात ये हैं कि यहां साधु संत और पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब राजस्थान में कर्फ्यू न लगाना पड़ा। ये सब कुछ कांग्रेस के तुष्टीकरण मॉडल की ही देन है।